आज फिर मुंबई के एनसीबी ऑफिस पहुंचेंगे रिया चक्रवर्ती। सूत्रों के मुताबिक रिया और बाकी आरोपियों का कराया जा सकता है आमना सामना। ड्रग चैट मामले में कल रिया से एनसीबी ने 6.5 घंटे की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक रिया ने सुशांत के घर ड्रग्स आने की बात कबूली। 9 सितंबर तक एनसीबी ने रिमांड पर दीपेश सावंत। पूछताछ में दीपेश का खुलासा, रिया के कहने पर ही सुशांत के लिए लाता था ड्रग्स। रिया के वकील सतीश मान शिंदे का कोर्ट में दावा, रिया से मिलने से पहले ही ड्रग ले रहा था सुशांत। रिया चक्रवर्ती के वकील का कोर्ट में बयान, अपने डॉक्टर से बिना पूछे दवाई लेने की बात पर रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ। कल मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह पहुंची डीआरडीओ गेस्ट हाउस। सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी और जमीला से भी सीबीआई ने की पूछताछ। आज महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र, कोरोना के चलते सिर्फ 2 दिन चलेगा सत्र। जम्मू कश्मीर डोडा में आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़, एक मशीन गन गोला बारूद बरामद। लगातार सीजफायर तोड़कर सीना जोरी पर उतरा पाकिस्तान, उल्टे भारत पर लगाया आरोप। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को बुलाकर जताया एतराज। रफाल पर खुलकर दिखा पाकिस्तान का डर, बाजवा का बयान, कोई नए हथियारों से नहीं डरा सकता, युद्ध थोपा गया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरुणाचल प्रदेश में लापता भारतीयों पर बोले किरण रिजिजू, कहा चीनी सेना को भेजी गई है सूचना, जवाब का इंतजार। एलएसी पर दुनिया ने भी माना बैकफुट पर चीन यूरोपियन थिंक टैंक की रिपोर्ट, भारत के कदम से असमंजस में है चीन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज सम्मेलन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपालों और कुलपतियों के साथ करेंगे बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 सितंबर को रूस जाएंगे, एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। 2021 की शुरुआत में हो सकती है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। आज दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन शुरू, मुसाफिरों को नियमों का करना होगा पालन, सिर्फ स्मार्ट कार्ड से किराए का होगा भुगतान। 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल होगी, इस दिन से टाइम टेबल भी सामान्य होगा। दिल्ली से सटे नोएडा की एक्वा लाइन मेट्रो आज से शुरू, कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज से मेट्रो सेवा शुरू, एक साथ 350 लोगों को ही इजाजत होगी यात्रा की। देश में कोरोना का आंकड़ा 41 लाख के पार, एक दिन में रिकॉर्ड 90,633 नए मामले। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 3,257 नए मरीज, पूरी दिल्ली में कल 20,909 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले 1,694 नए मरीज, प्रदेश में एक्टिव केस हुए 16,115, 1,238 मरीज डिस्चार्ज। बिहार में कोरोना के 1,797 नए मरीज, कुल मरीजों की संख्या 47,000 के पार। झारखंड में कोरोना के कुल मरीज 49,817। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को कोरोना को मात दी, उन्होंने गुरुग्राम मेदांता से हुए डिस्चार्ज। कोरोना कंट्रोल को लेकर के राजस्थान के सीएम गहलोत गंभीर, कहा जीवन बचाने के लिए सुविधाओं में नहीं आने दी जाएगी कमी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंचा, सबसे ज्यादा जयपुर में 310 मामले। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुक्ति धाम का विरोध, कोरोना फैलने के खतरे से ग्रामीण हुए नाराज। हरियाणा के सिरसा जेल में 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव, सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर अभिभावक, लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की स्कूल फीस माफ करने की मांग। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बुजुर्ग साधु की पीट पीट कर हत्या, मोबाइल चोरी की शिकायत करने की वारदात को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की हत्या के मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी की गई गठित। लखीमपुर खीरी कांड में 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, 2 गिरफ्तार, सीओ कुलदीप कुकरेती को भी हटाया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने लुटेरे की जमकर के धुनाई की, दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था। मुजफ्फरनगर घरेलू विवाद में पत्नी की गला घोटकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर के आरोपी पति फरार। आजमगढ़ में अपने मामा की हत्या के मुकदमे की पैरवी कर रहे शख्स को मारी गई गोली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 कारों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में कार सवार 1 शख्स की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के बलिया में भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, प्याज के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे शराब। उत्तर प्रदेश के झांसी में अवैध शराब बनाने के अड्डे का पुलिस ने किया भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के गोसाईगंज पुलिस का जिला बदर करने का अनोखा अंदाज, पुलिस की जीप में लाउड स्पीकर और नगाड़ा बजा करके जिला बदर करने का सुनाया गया फरमान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स की बड़ी कामयाबी, मरीज के शरीर में घुसे 3 सरियों को सफलतापूर्वक निकाला। देहरादून में फर्जी कंपनी का खुलासा, पुलिस ने कंपनी के MD और निदेशक को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में भारी पड़ी लापरवाही, खेल खेल में लाइसेंस पिस्टल से चली गोली, 4 बच्चे जख्मी, 1 की हालत गंभीर। फरुखाबाद में 4 सितंबर को दर्ज हुई हत्या के केस में चौंकाने वाला खुलासा, दरअसल जिस महिला की हत्या का केस दर्ज किया गया था वो जिंदा निकली। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 53 लाख की सिगरेट, 15,28,000 का सोना जब्त। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक होटल मैनेजर ने जहर खाकर आत्महत्या की, खुदकुशी के पहले युवक ने वीडियो भी बनाया। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 1 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 3 किलो अफीम बरामद।
अयोध्या में 4 सितंबर को हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने वजीरगंज रोड पर शव को रखकर लगाया जाम। अलीगढ़ में बीजेपी पार्षद ने नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा, शिकायत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं करने का आरोप। आगरा में कैफे संचालक और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, अंडे की दुकान चलाने वाले को करीब 1.5 लाख का बिल भेजा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तेंदुए का आतंक, सीसीटीवी में तेंदुए की लाइव तस्वीरें कैद। मध्य प्रदेश में सुबह 9:30 से रात 11:30 बजे तक मिलेगी शराब, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। तालाबों में तर्पण की अनुमति नहीं देने पर भड़की साध्वी प्रज्ञा, कहा परंपरा रोकने की कोशिश को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। इंदौर में बीजेपी की ओर से निकाली गई कलश यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां। मध्य प्रदेश के बैतूल में गौवंश तस्कर की जमकर पिटाई, तस्करों को सड़क पर घसीटकर पीटने का वीडियो वायरल। भोपाल के बीजेपी की बैठक में 27 सीटों पर जीत पर आलाकमान का फोकस, एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने के निर्देश। इंदौर में बीजेपी की कलश यात्रा के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना और अन्य बीमारियों से होने वाली मौत का अलग अलग आंकड़ा देगी सरकार। मध्य प्रदेश के भिंड में यूरिया की बड़ी कालाबाजारी उजागर, पोर्टल में 37 किसानों 10,000 से ज्यादा यूरिया की बोरियां बेचने की जानकारी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राशन की दुकानों में हो रही है खराब गेहूं की सप्लाई, अधिकारियों ने दिया गेहूं वापसी का आश्वासन। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में अंडे बांटने के मामले में सियासत, इमरती देवी के बयान पर कांग्रेस की चुटकी। दंतेवाड़ा से करीब 65 किलोमीटर दूर हांदवाड़ा वाटरफॉल की खूबसूरत झलक। सियासी वर्चुअल जंग की आज नीतीश कुमार करेंगे शुभारंभ, वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार की होगी औपचारिक शुरुआत। बिहार चुनाव में आरजेडी ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन और बेरोजगारी पर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। पटना में महिलाओं ने गर्दनीबाग थाने का किया घेराव, हिरासत में लिए गए शराब तस्कर को छुड़ाने की कर रही थी मांग। कटिहार में आदिवासी समुदाय का तालिबानी फरमान, अवैध संबंध के मामले में दरिंदगी की हद की पार। एलजेपी ने झारखंड की दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ने का किया ऐलान, तो जेएमएम ने बिहार में मांगी सम्मानजनक सीटें। रिम्स में लालू से मुलाकात पर पाबंदी, स्पीड पोस्ट से लालू तक उम्मीदवार पहुंचा रहे अपना बायोडेटा। झारखंड के बोकारो में अपराधी बेखौफ, राशन दुकानदार की गोली मारकर हत्या। पटना नगर निगम अब लोगों को साइकिल की सवारी भी कराएगा, लोगों को किराए पर मिलेगी साइकिल। राजस्थान के कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, मडाना में सरपंच बबली मीणा और सेक्रेटरी रिश्वत लेते ट्रैप। राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी, जयपुर के बाद कोटा में पकड़ा गया नकली सामान। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का कटाव तेज, आंगनबाड़ी भवन नदी में समाया। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से तबाही, नदी में हो रहे कटाव से लोगों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के सिरोही जिले में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, नदी में अचानक आए बहाव में फंसी जीप। हरियाणा के झज्जर में एक सांड मकान की छत पर चढ़ गया, चूंकि मकान की छत कमजोर थी लिहाजा छत के टूटने से सांड नीचे गिर गया। हैपीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ आज होगा लॉन्च, रिटेल निवेशकों को इस आईपीओ में 7 सितंबर से 9 सितंबर तक सब्सक्राइब करने का मौका। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन का बयान, इस साल विकास दर 0 से ऊपर रहने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। कोरोना काल में शेयर बाजारों में बड़ी महिलाओं की भागीदारी, ज्यादातर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। एयर इंडिया दे रहा है बुजुर्गों को तगड़ा डिस्काउंट, ये सुविधा सिर्फ उन बुजुर्गों को मिलेगी जो भारत के नागरिक हैं और भारत में ही रहते हैं। आईपीएल 2020 का पूरा स्केड्यूल जारी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा पहला मैच। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दिल्ली कैपिटल्स की बड़ी आफत, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को कोरोना। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। एक साल बाद मैदान पर वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी, इंटरनेशनल क्रिकेट से ले चुके हैं संन्यास। स्टार इंडियन प्लेयर रोहन बोपन्ना मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में, 5 साल में भारतीय ने खिताब नहीं जीता है। अर्जुन कपूर के बाद गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को हुआ कोरोना, मलाइका अरोड़ा भी होम क्वारंटीन में। कंगना रनौत को सुरक्षा देगी हिमाचल प्रदेश सरकार, एक्ट्रेस के पिता ने की थी मांग। रिया को लेकर तापसी पन्नू का बयान, हर महिला जो खुद से ज्यादा सफल पुरुष के साथ हो वो गोल्ड डियर नहीं। दिग्गज संगीतकार एस मोइंदर का 95 साल की उम्र में निधन, लता मंगेशकर ने जताया दुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में जारी हो रही हैं
रैलियां, उनका पोस्टर और बैनर से पटी है जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा। हांगकांग में नहीं थमरा प्रदर्शनों का सिलसिला, नई सिक्योरिटी लॉ और चुनाव के टलने का जमकर हो रहा है विरोध। ब्राजील में कोरोना से बेखौफ हैं लोग, वीकेंड पर आनंद लेने राजधानी रियो के बीच पर जमा हुए लोग। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में भारी बारिश, पानी में डूबी राजधानी। ऑस्ट्रिया के खिड़की ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड, आइस क्यूब से भरे बॉक्स में बिताए 2 घंटे 30 मिनट 57 सेकंड। ड्रम के पुल पर स्टंट करना पड़ा भारी, संतुलन बिगड़ा, पानी में गया बाइक सवार। गुस्साए बच्चे ने मां को ही रेफ्रिजरेटर में बंद कर दिया, इस मासूमियत पर सबकी हंसी छूट पड़ी। तेज रफ्तार में गाड़ी पर ब्रेक लगा करके स्टैंड पर बाइक खड़ा करना नहीं आसान, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कमाल। नकली दांत लगा करके बुजुर्ग इंसान दिखने लगता है जवान, लेकिन डॉगी नकली दांत लगा करके दिख रहा है कार्टून। बाहुबली पर भारी पड़ी दीवार, दीवार को गिराने की कोशिश में खुद बन गया शिकार।